प्लेसमेंट का मसला, अगर प्लेसमेंट यूट्यूब करा सकती है, अगर यूट्यूब और सोशल मीडिया इतनी जिम्मेदारी लेता है कि जो वो मुंह से निकाल रहे हैं अल्फाज उसकी प्लेसमेंट सही। यूट्यूब की एजुकेशन में या दूसरी एजुकेशन में जो सबसे बड़ी मसला है ना वो प्लेसमेंट का, जो असातज़ा के पास और जो दर्सगाहों के सिलसिले में चाहे स्कूल हो या मदारिस हो, जो सबसे बड़ी चीज़ अदील भाई प्लेसमेंट है। अब यहाँ मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएं, 10 साल से ऊपर हो गए आपको मेरे साथ, बहुत सी चीज़ें जो आप खुद भी प्लेसमेंट करें, लेकिन बहुत सी कितनी चीज़ों के अंदर हमने आपको प्लेसमेंट्स बताई हैं यार। मैं अपने तजर्बे और अपनी इबारत और अपनी इमारत से आपको बता रहा हूँ ये प्लेसमेंट ठीक नहीं है। कितनी जगहों में तुमने हमें करेक्ट किया होगा कि ये प्लेसमेंट आपकी ठीक नहीं है। नहीं, उस्ताद के बगैर तो मुश्किल है। प्लेसमेंट का मसला, अगर प्लेसमेंट यूट्यूब करा सकती है, अगर यूट्यूब और सोशल मीडिया इतनी जिम्मेदारी लेता है कि जो वो मुंह से निकाल रहे हैं अल्फाज उसकी प्लेसमेंट सही। अब हम एक इंसान को कहते हैं जा निकल जा अपने रस्ते के ऊपर, चला ले अपने आप, अब इसकी अगर सही जगह से निकल जाए, फिर अब वो सही जगह से निकल जाए और वो गलत जगह पर चला जाए, अगर हम प्लेसमेंट उसकी नहीं न्यूट्रलाइज करेंगे तो इसके अंदर ये ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी चीज़ है, मगर बगैर उस्ताद से बराह रास्त पढ़ने के अंदर ना वो प्लेसमेंट सही कराता है आपके दीन का इल्म और दीन के ऊपर तकरीरें आज देने वाले बहुत लोग हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मसलक के हों या हमारे मसलक से हट के। पॉइंट यहाँ पर यह है, अगर आपने मुँह से निकला हुआ इल्म प्लेस सही नहीं किया ना तो आप माशरे में एक फसाद खड़ा कर रहे हैं, याद के साथ इल्म का फसाद, और जो शहवत का और डिज़ायर्स का फसाद है ना वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, डिज़ायर खुद इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती, डिज़ायर की बेस डिज़ायर इमोशनल होती है, डिज़ायर ट्रिगर्ड बेस्ड होती है, और डिज़ायर और शहवात और ख्वाहिशात दुनियावी ट्रैंकुलाइज बेस्ड होती हैं, इनमें इतना दम नहीं होता कि ये एक तहरीक को ज़्यादा लंबा चला सके। इल्म होता है जिसका फसाद भी बहुत पावरफुल होता है और जिसका इनकियाद भी बहुत पावरफुल होता है, जिसका एतकाद भी बहुत पावरफुल होता है और जिसका निफाज भी बहुत पावरफुल होता है, जो इल्मी प्रिंसिपल्स के साथ रच बस के आता है। शहवात और इमोशंस और डिज़ायर्स ये कभी भी ना फसाद बड़ा कर सकती हैं ना आबाद बड़ा कर सकती हैं, मेरा ये मानना है।